हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 हिस्ट्री के चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का 10th मॉड्यूल। फ्रेंड्स, पिछले मॉड्यूल में हमने आपको अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 इसके बारे में बताया था। आज इस मॉड्यूल में हम इसी टॉपिक को कुछ और डिटेल्स के साथ बताएंगे और साथ ही आज बात करेंगे द रेवोल्यूशनरीज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का मॉड्यूल। सो फ्रेंड्स, पिछले मॉड्यूल में हमने आपको ट्रीटी ऑफ वियना के बारे में बताया था और हमने आपको ये भी बताया था कि इस ट्रीटी का मेन ऑब्जेक्टिव था उन मोनार्कीज को रिस्टोर करना जिन्हें नेपोलियन ने ओवरथ्रो यानी पावर से रिमूव कर दिया था और साथ ही यूरोप में एक नया कंजर्वेटिव ऑर्डर बनाने का भी एम था और इसी नए कंजर्वेटिव ऑर्डर को हम कुछ और डिटेल में आज इस मॉड्यूल में पहले पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, 1815 में जो कंजर्वेटिव रिजीम्स यानी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट सेटअप किया गया था, जो हमने पिछले मॉड्यूल में पढ़ा कि नेपोलियन गया और उसके बाद कंजर्वेटिव रिजीम्स सेटअप किए गए, तो ये सेटअप कैसा था? फ्रेंड्स, ये जो 1815 में कंजर्वेटिव रिजीम्स यानी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट सेटअप किया गया था वो ऑटोक्रेटिक था। जी हाँ, यानी किसी और के ओपिनियंस या फीलिंग्स को ना मानने वाला गवर्नमेंट, अपनी मर्जी चलाने वाला गवर्नमेंट। तो ऑटोक्रेटिक का मतलब यही होता है, आपको तो पता है, जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो कैसा था ये रिजीम? ऑटोक्रेटिक था। फ्रेंड्स, इस तरह के सिस्टम में क्रिटिसिज्म और डिसेंट या डिसएग्रीमेंट टॉलरेट नहीं किया जाता था। यानी अगर गवर्नमेंट को कोई क्रिटिसाइज करेगा, कोई उसके अगेंस्ट बोलेगा, तो वो चीज बिल्कुल टॉलरेट नहीं की जाएगी और इसीलिए उन्होंने ऐसी एक्टिविटीज को कंट्रोल करना चाहा, हटाना चाहा, जो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स की लेजिटिमेसी यानी वैलिडिटी पर सवाल उठाती है। यानी ये जो कंजर्वेटिव रिजीम सेटअप हुआ था 1815 में, वो ऑटोक्रेटिक था, अपनी मर्जी चलाता था और कोई भी अगर इनको क्रिटिसाइज करे, इनसे डिसएग्री करे या इनकी वैलिडिटी पर सवाल उठाए तो ये लोग बिल्कुल टॉलरेट नहीं करते थे, जो कंजर्वेटिव्स थे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? इसके लिए कंजर्वेटिव रिजीम्स में सेंसरशिप लगाई गई। क्या लगाई गई? सेंसरशिप। सेंसरशिप आपको पता है, न्यूज़पेपर्स, बुक्स, प्ले, सॉन्ग्स, इस तरह की चीजों को सेंसर करना, रोक लगाना। तो कंजर्वेटिव रिजीम्स ने क्या किया? सेंसरशिप लगाई गई ताकि न्यूज़पेपर्स, बुक्स, प्लेज और सॉन्ग्स में ऐसी चीजों पर कंट्रोल किया जा सके जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से जुड़े लिबर्टी और फ्रीडम के आइडियाज को रिफ्लेक्ट करती थी। क्योंकि लोगों के दिमाग में ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज थे, लिबर्टी और फ्रीडम, ये बहुत ज्यादा लोगों के दिमाग में बैठे हुए थे। तो लोग यही चाहते थे कि लिबर्टी और फ्रीडम आए और कंजर्वेटिव्स को वो हटाना चाहते थे, उनके अगेंस्ट हो गए थे। तो यही जो अगेंस्ट जो फीलिंग थी वो कंजर्वेटिव्स टॉलरेट नहीं कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने सेंसरशिप लगाई ताकि न्यूज़पेपर्स, बुक्स, प्लेस, सॉन्ग्स, ऐसी चीजों पर कंट्रोल किया जा सके जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से जुड़े लिबर्टी और फ्रीडम के आइडियाज को रिफ्लेक्ट करती थी। फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी फ्रेंच रेवोल्यूशन की मेमोरी लिबरल्स को इंस्पायर कर रही थी। लिबरल नेशनलिस्ट यानी नेशनलिस्ट जो लिबरल थिंकिंग के थे, उन्होंने जो सबसे मेजर इशू उठाया कंजर्वेटिव ऑर्डर के अगेंस्ट, वो था फ्रीडम ऑफ प्रेस यानी न्यूज़पेपर्स, मीडिया की फ्रीडम। तो समझ आया आपको? सेंसरशिप लगाई, किसने लगाई? कंजर्वेटिव रिजीम्स में सेंसरशिप लगाई गई। उसके बाद क्या हुआ बताइए? लिबरल नेशनलिस्ट जो थे, जो लिबरल्स थे, वो क्या कह रहे थे? उनके दिमाग में फ्रेंच रेवोल्यूशन की मेमोरी ताजा थी, वो लिबर्टी और फ्रीडम की बातें करते थे। लिबरल्स नाम है तो लिबर्टी और फ्रीडम की बातें करेंगे। और जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, जो लिबरल थिंकिंग वाले लोग थे, उन्होंने सबसे मेजर जो इशू उठाया कंजर्वेटिव ऑर्डर के अगेंस्ट, वो क्या था? कब ऑन? फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो नेपोलियन हार गया, उसके बाद कौन आया? कंजर्वेटिव्स आए। उसके बाद क्या हुआ? लिबरल्स ने उनके रिजीम को चैलेंज करना शुरू कर दिया। तो चलिए अब जानते हैं इसके बाद क्या हुआ। तो फ्रेंड्स, अब एंट्री होगी रेवोल्यूशनरीज की। कैसे?
आइए जानते हैं। फ्रेंड्स, 1815 के बाद के इयर्स ने कई लिबरल नेशनलिस्ट को अंडरग्राउंड कर दिया रिप्रेशन के डर से। रिप्रेशन यानी फोर्स यूज करके लोगों को और उनकी फ्रीडम को कंट्रोल करना। तो जैसे हमने आपको बताया कि कॉन्जर्वेटिव्स ने काफी एक अलग सा रिजीम सेटअप कर दिया था, सेंसरशिप उन्होंने लागू कर दी थी, जिससे लिबरल्स खुश नहीं थे। वो लोग कह रहे थे कि भाई फ्रीडम ऑफ प्रेस होनी चाहिए। तो इसके चलते कॉन्जर्वेटिव्स ने क्या किया, उन्होंने रिप्रेशन स्टार्ट किया, यानी लोगों को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, लोगों को फोर्स करने लगे कि भाई हमारे खिलाफ नहीं बोलना है, हमारे खिलाफ नहीं जाना है। बहुत उन्होंने अजीब से स्ट्रिक्ट मेजर्स स्टार्ट कर दिए, रिप्रेशन उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो रिप्रेशन के डर से क्या हुआ कि ये जो लिबरल नेशनलिस्ट थे जिनको हार्म पहुंच सकता था, ये लोग अंडरग्राउंड हो गए। इन्होंने अपने कामकाज, जो भी ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो भी अगेंस्ट बोल रहे थे, ये सब इन्होंने बंद कर दिया रिप्रेशन के डर से। ये लोग अंडरग्राउंड हो गए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पढ़ा कि 1815 के बाद एक न्यू कॉन्जर्वेटिज्म की शुरुआत हुई जिसमें ऑटोक्रेसी को बढ़ावा मिला। तो अब जो लिबरल नेशनलिस्ट थे जो कि कॉन्जर्वेटिव ऑर्डर के खिलाफ थे, उनके अगेंस्ट रिप्रेशन यूज किया गया और इसी वजह से कई लिबरल नेशनलिस्ट क्या हो गए, अंडरग्राउंड हो गए। तो लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड हो गए। अब एंट्री हुई रेवोल्यूशनरीज की। जी हाँ, रेवोल्यूशनरीज जो बहुत बड़ा चेंज लाना चाहते थे, क्रांतिकारी जिसको हम यहाँ पर कहते हैं इंडिया में, तो रेवोल्यूशनरीज की एंट्री हुई। फ्रेंड्स, यूरोप की बहुत सी स्टेट्स में रेवोल्यूशनरीज को ट्रेनिंग देने और अपने आइडियाज को स्प्रेड करने के लिए सीक्रेट सोसाइटीज बनने लगी। मतलब ऐसे ग्रुप्स बनने लगे जो सीक्रेटली काम कर रहे थे, जिसमें एक जैसी सोच वाले लोग सब आपस में मिलकर ट्रेनिंग देने और अपने आइडियाज को स्प्रेड करने का काम करने लगे, जिसके लिए वो सीक्रेट सोसाइटीज बनाने लगे। तो ये कर रहे थे रेवोल्यूशनरीज। फ्रेंड्स, जैसे इंडिया की ही बात कर लें तो आपने फ्रीडम स्ट्रगल में पढ़ा ही है कि कैसे इंडिया में भी मॉडरेट थे, एक्सट्रीमिस्ट थे, रेवोल्यूशनरीज थे। तो यूरोप में भी इसी तरह का हाल था। वहां पर कॉन्जर्वेटिव्स जो गलत ऑटोक्रेसी का रूल कर रहे थे सबके ऊपर, लिबरल्स जो इसके अगेंस्ट थे, और रेवोल्यूशनरीज कुछ ऐसे लोग जो बहुत बड़ा चेंज लाना चाहते थे, इस ऑटोक्रेसी को हटाना चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज बनाना स्टार्ट कर दिया। फ्रेंड्स, इस टाइम पर रेवोल्यूशनरी बना उन मोनार्कियल फॉर्म्स को अपोज करना जो वियना कांग्रेस के बाद बनाई। ट्रीटी ऑफ वियना याद है आपको, वो जो मीटिंग हुई थी वियना में, सारे यूरोपियन पावर्स मिले थे। तो उसके बाद बहुत सारी मोनार्कीज फॉर्म हुई थी, आपको बताया था हमने, बहुत सारी मोनार्कीज रिस्टोर कर दी गई थी जो नेपोलियन ने हटा दी थी। तो इस टाइम पर रेवोल्यूशनरी का जो मेन एम था वो मोनार्कियल फॉर्म्स को वो लोग अपोज कर रहे थे जो वियना कांग्रेस के बाद बनाई गई थी, और साथ ही लिबर्टी और फ्रीडम के लिए लड़ाई करना, ये भी रेवोल्यूशनरी का मेन एम था। तो वो सीक्रेट सोसाइटी थे, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को वो अपोज कर रहे थे, मोनार्की को हटाना चाहते थे, साथ ही लिबर्टी और फ्रीडम के लिए वो लोग लड़ रहे थे। फ्रेंड्स, इनमें से कई रेवोल्यूशनरीज नेशन स्टेट्स के क्रिएशन को फ्रीडम स्ट्रगल का एक नेसेसरी इम्पोर्टेंट पार्ट मानते थे। यानी कुछ रेवोल्यूशनरीज ऐसे भी थे जो कहते थे कि भाई नेशन स्टेट बनेगा तभी सही मायने में फ्रीडम मिल सकती है। यानी रेवोल्यूशनरीज चाहते थे कि कॉमन कल्चर हो, लैंग्वेज हो, ट्रेडिशन हो, कॉमन हिस्ट्री हो लोगों की, क्योंकि वही तो नेशन स्टेट होता है। तो रेवोल्यूशनरी ये सारी चीजें चाहते थे। क्या क्या चाहते थे, उन्होंने क्या किया, सीक्रेट सोसाइटी, मोनार्की को अपोज किया, साथ ही वो लोग फ्रीडम की मांग करते थे, लिबर्टी की मांग करते थे, ऑटोक्रेटिक रूल का एंड चाहते थे, साथ ही नेशन स्टेट की बात करते थे, यानी कि आइडिया ऑफ नेशनलिज्म वो लोग स्प्रेड कर रहे थे। सो फ्रेंड्स, ये तो बात हुई रेवोल्यूशनरीज की। अब एक रेवोल्यूशनरी की हमें बात करनी है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन भी आता है इससे, तो बहुत ध्यान से आपको सुनना है। किसकी बात कर रहे हैं, एक इटालियन रेवोल्यूशनरी के बारे में, जिनका नाम है गुजिपी मजीनी। क्या नाम है, गुजिपी मजीनी। तो
ये एक इटालियन रेवोल्यूशनरी थे जो जेनुआ, जो कि इटली का एक प्रोविंस है, 1807 में ये बॉर्न हुए थे जेनुआ में, और कार्बोनारी की सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर बने। फ्रेंड्स, बेसिकली इटली बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड था, अलग अलग लोग वहाँ पर रूल करते थे। तो गुजीपी मजीनी जो थे वो चाहते थे कि इटली एक नेशन स्टेट बने, यूनाइटेड हो जाए, तो इसीलिए वो भी सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर बने। और फ्रेंड्स, 24 इयर्स की यंग एज में उन्हें लिंगूरिया में रेवोल्यूशन करने के लिए 1831 में एग्जाइल पर भेज दिया गया, यानी देश से बाहर निकाल दिया गया था। इसके बाद उन्होंने, मतलब देश से निकाल दिया, उसके बाद उन्होंने दो और सीक्रेट, या जिसको अंडरग्राउंड सोसाइटीज कह सकते हैं, वो उन्होंने एस्टैब्लिश की। कई बार पूछा जाता है, वन मार्क में भी आ सकता है, कि गुजीपी मजीनी ने कौन सी दो सीक्रेट सोसाइटीज एस्टैब्लिश की, तो कौन कौन सी थी वो, चलिए देखते हैं। तो पहली सीक्रेट सोसाइटी थी इन मार्सलीज, और दूसरी थी यंग यूरोप इन बर्न। कौन कौन सी थी? यंग इटली इन मार्सलीज, और दूसरी थी यूरोप इन बर्न, जिसके मेंबर्स पोलैंड, इटली और जर्मन स्टेट्स के सेम थिंकिंग रखने वाले, यानी लाइक माइंडेड यंग मैन थे। क्योंकि इनको देश से निकाल दिया था, तो इन्होंने फ्रांस में जाके ये सीक्रेट सोसाइटीज बनाई थी। कौन कौन सी सीक्रेट सोसाइटीज बनाई थी? यंग इटली इन मार्सलीज और दूसरी यंग यूरोप इन बर्न। फ्रेंड्स, गुजीपी मजीनी का मानना था कि गॉड की इंटेंशंस या मर्जी के अकॉर्डिंग नेशंस ही मैनकाइंड या ह्यूमंस की नेचुरल यूनिट्स थे। मतलब वो ये मानते थे कि किसी एरिया के लोग नेचुरली अगर एक साथ रहना चाहते हैं, एकजुट होके रहना चाहते हैं, तो उनको रोका नहीं जाना चाहिए। बेसिकली वो मोनार्की और ये कॉन्जर्वेटिव्स के खिलाफ थे, उनको हटाना चाहते थे। वो चाहते थे, जैसे उनके देश में बहुत अलग अलग यूनिट्स थे, वो चाहते थे उनका देश इटली एक हो जाए, यूनिफाइड हो जाए। तो इसीलिए इटली स्मॉल स्टेट्स और किंगडम्स के पैच वर्क की तरह, यानी छोटे छोटे स्टेट्स किंगडम्स टुकड़ों से मिलकर बना इटली, गुजीपी मजीनी को मंजूर नहीं था। उनको एक इटली चाहिए था, जहां पर लोग नेचुरली आपस में मिलजुल के यूनिटी बना के रहना चाहते थे, और कॉमन कल्चर, लैंग्वेज, ट्रेडिशन, हिस्ट्री सब शेयर करना चाहते थे। यानी उनको चाहिए था एक नेशन स्टेट, इटली को वो नेशन स्टेट बनाना चाहते थे। फ्रेंड्स, इटली को जोड़कर नेशंस के वाइड अलायंस के अंदर एक यूनिफाइड रिपब्लिक बनाना, ये ही मजीनी का मेन एम था। यानी इटली छोटे छोटे जो यूनिट्स में बटा हुआ था, उनको जोड़ के, ये छोटे टुकड़े हटा के इटली को जोड़ना चाहते थे, और साथ ही चाहते थे एक यूनिफाइड रिपब्लिक बने इटली। मतलब जहां पर लोग, जनता इलेक्ट करके गवर्नमेंट बनाए, स्टेट का हेड चुने, तो ये सोच थी उनकी। बेसिकली वो डेमोक्रेसी जैसी गवर्नमेंट बनाना चाहते थे, इटली को जोड़ना चाहते थे। सो बेसिकली मजीनी चाहते थे इटली अलग अलग टुकड़ों में ना बटा रह के एक स्टेट बने, एक कंट्री बने, जिसके लैंग्वेज सेम हो, कॉमन हो, कल्चर कॉमन हो, और बेसिकली वो यूनिफिकेशन चाहते थे इटली का। क्या चाहते थे? यूनिफिकेशन ऑफ इटली इज व्हाट ही वांटेड। वो कहते थे कि ये यूनिफिकेशन ही इटली की फ्रीडम और लिबर्टी का बेस हो सकता था। सो ये कहते थे मजीनी। So basically he said that Italy could not be a patchwork of small states and kingdoms. Italy had to become a unified republic within a wider alliance of nations. And he said that unification of Italy was the only basis of Italian liberty. फ्रेंड्स, मजीनी के मॉडल को फॉलो करते हुए जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में भी सीक्रेट सोसाइटीज बनाई गई। मजीनी के मोनार्की की तरफ ऑपोजिशन ने और उसके डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स के विजन यानी ड्रीम ने कॉन्जर्वेटिव काफी डरा दिया, क्योंकि मजीनी एक रेवोल्यूशनरी थे, और रेवोल्यूशनरी तो आपको पता है काफी ज्यादा आक्रामक होते हैं, बहुत फाइट भी कर सकते हैं। तो मजीनी के ये जो मोनार्की की तरफ ऑपोजिशन था और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की जो सोच थी, इससे कॉन्जर्वेटिव काफी डरे हुए थे। मेटर्निक, जो कि ऑस्ट्रिया के चांसलर थे,
याद है ना ट्रीटी ऑफ वियना में हमने आपको बताया था, जिन्होंने ये पूरी जो ट्रीटी ऑफ वियना जो कांग्रेस की मीटिंग थी उसको होस्ट किया था, तो मेटर्निक जो कि ऑस्ट्रिया के चांसलर थे जिन्होंने वियना कांग्रेस होस्ट की थी, उन्होंने मजीनी को डिस्क्राइब किया एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, ये बोला उन्होंने, यानी हमारे सोशल ऑर्डर का, ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज का सबसे डेंजरस दुश्मन, बोला किसने बोला, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटर्निक ने, और किसको बोला, गुजेपी मजीनी को, करेक्ट। तो हमने आपको क्या बताया, हमने आपको इनिशियली बताया कि 1815 में जो कॉन्जर्वेटिव रेजिम्स सेटअप की गई वो ऑटोक्रेटिक थी, ज्यादातर गवर्नमेंट्स ने सेंसरशिप लगाई, तो लिबरल्स जो थे, लिबरल नेशनलिस्ट, वो इसके खिलाफ थे। तो लिबरल नेशनलिस्ट ने जो सबसे मेजर इशू उठाया कॉन्जर्वेटिव ऑर्डर के अगेंस्ट, वो था फ्रीडम ऑफ प्रेस। और जैसे हमने आपको बताया कि ऑपोजिशन शुरू हुआ तो रिप्रेशन शुरू कर दिया कॉन्जर्वेटिव ने। तो 1815 के बाद ये जो रिप्रेशन का डर था, इसने कई लिबरल नेशनलिस्ट को अंडरग्राउंड जाने पे मजबूर कर दिया। और उसके बाद एंट्री हुई रेवोल्यूशनरीज की। किसकी एंट्री हुई, रेवोल्यूशनरीज की। रेवोल्यूशनरीज ने सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म करना शुरू किया। उनका मेन एम जो था वो था आइडिया ऑफ नेशनलिज्म को स्प्रेड करना। मोनार्की को अपोज कर रहे थे वो लोग, साथ ही फ्रीडम और लिबर्टी चाहते थे और ऑटोक्रेटिक रूल का एंड चाहते थे, और चाहते थे नेशन स्टेट का एस्टैब्लिशमेंट। साथ ही हमने आपको इस मॉड्यूल में एक बहुत इम्पोर्टेंट इटालियन रेवोल्यूशनरी गुजेपी मजीनी के बारे में बताया। तो गुजेपी मजीनी एक इटालियन रेवोल्यूशनरी थे, मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनारी थे वो, साथ ही उन्होंने दो सीक्रेट सोसाइटीज बनाई थी, उनको देश से निकाल दिया गया था, याद है ना, और दो सीक्रेट सोसाइटीज उन्होंने बनाई थी, यंग इटली इन मार्सिलिस और यंग यूरोप इन बर्न। साथ ही गुजेपी मजीनी का जो मेन एम था वो था यूनिफिकेशन ऑफ इटली। सो लेट अस रिवाइज वंस अगेन। सो फ्रेंड्स, कॉन्जर्वेटिव रिजीम्स सेट अप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक। सेंसरशिप वाज इंपोज्ड बाय मोस्ट गवर्नमेंट्स। द मेजर इशू टेकन अप बाय लिबरल नेशनलिस्ट अगेंस्ट द कॉन्जर्वेटिव ऑर्डर वाज द फ्रीडम ऑफ प्रेस। आफ्टर 1815, फियर ऑफ रिप्रेशन drove liberal nationalists underground. Then came the revolutionaries. They formed many secret societies. Their main aim basically was to spread idea of nationalism. They were opposing monarchy. They wanted freedom and liberty. And also they wanted to end autocratic rule. And many revolutionaries wanted an establishment of a nation state. And then we talked about Giuseppe Mazzini, who was an Italian revolutionary. He was the member of secret society of Carbonari. He established two more underground societies, Young Italy in Marseilles and Young Europe in Bern. And friends, his main aim was unification of Italy.